हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावेल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है इंग्लिश का ग्रामर, जिसमें हमने पिछले सेशन में प्रीपोजिशन के बारे में बताया था। इस सेशन में आज हम कंजंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। कंजंक्शन, जो कंजंक्शन अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो संयोजक, इसको हिंदी में संयोजक कहा जाता है। संयोजक एक ऐसा शब्द है जो किसी शब्दों को जोड़ता है, किसी दो सेंटेंस को जोड़ता है, किसी दो उपवाक्यों को जोड़ता है, किसी वाक्यांशों को भी क्या करता है, जोड़ता है। ये कनेक्टिंग, इसका काम है क्या करना, कनेक्टिंग करना, यानी शब्दों को, सेंटेंसों को या वाक्यांशों को या उपवाक्यों को क्या करना, जोड़ना। आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसका डिफिनीशन है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड phrases, clauses और sentences together। ये क्या करता है, दो word को जोड़ता है, दो phrase को जोड़ता है और दो class को जोड़ता है, और या दो क्या करेगा, sentence को जोड़ेगा। एक प्रकार से conjunction जो है, एक प्रकार का क्या है, एक connecting word है। ये क्या करता है, इसका मुख्य काम क्या है, ये क्या करना है कि sentence को जोड़ेगा या दो वर्ड को जोड़ेगा या दो क्लासेस को जोड़ेगा या दो जो है फ्रेजेस को क्या करेगा, जोड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम क्या है, भाई हैं। यहां पर देखिए ये क्या कर रहा है, राम और श्याम ये दो क्या है, नाम है, ये दो वर्ड है, इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जहां जो एंड आया है वो हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ये क्या कर रहा है, दो वर्ड को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है और कह रहा है कि राम और श्याम क्या है, भाई है। तो यहां पर जो एंड होगा वो हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। The world bright when the sun rises। कह रहा है कि the world bright यानी कि संसार प्रकाशित होता है, bright माने चमकेगा या चमकता है, when माने जब, the sun rises मतलब जब सूर्योदय क्या होता है, होता है, जब सूर्य उगता है तब क्या होता है, पूरा संसार क्या होता है, चमकता है। तो यहां पर वेन, जो वेन आया है ये हमारा क्या कर रहा है, यहां दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और जोड़ करके क्या बता रहा है, एक इस वजह से हमारा वेन क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। एक एक प्रकार का क्या है, एक संयोजक है, वो क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। आगे देखिए, The man is poor but honest, The man is poor, आदमी क्या है, गरीब है, but लेकिन क्या है, honest ईमानदार है। तो यहां पर जो but आया है ये क्या कर रहा है, दो sentence को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और जोड़ करके बता रहा है कि ये हमारा क्या है, कंजंक्शन। यहां पर जो बट आया है वो हमारा क्या है, कंजंक्शन है। ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है कि वह आदमी क्या, गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो यहां दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। अगला एग्जांपल, आई विल नॉट गो आउट इफ इफ इट
rains. यहां कह रहा है कि I will not go out if it rains. अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा. तो इस प्रकार से हमने देखा कि जहां यहां पर जो एंड आया है वह भी हमारा कंजंक्शन है, यहां वेन आया है, यहां बट आया है, यहां इफ आया है, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का कंजंक्शन है जो क्या कर रहा है, आकर के सेंटेंस को जोड़ रहा है, या सेंटेंस को जोड़ रहा है, या दो वर्ड को जोड़ रहा है, या दो क्लास को जोड़ रहा है, या दो आपको फ्रेजेस को जोड़ रहा है. तो इस तरह से आपने देखा. आगे देखते हैं क्लासेस ऑफ कंजंक्शन. क्लासेस ऑफ क्लासेस ऑफ कंजंक्शन. क्लासेस ऑफ कंजंक्शन. आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो कंजंक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो कितने क्लास में क्या किया गया है, उसको विभाजित किया गया है. देयर आर टू क्लासेस ऑफ कंजंक्शन. पहला है कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जो कंजंक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं. तो पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसका डिफिनेशन है ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन टू क्लासेस ऑफ इक्वल रैंक. कहने का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है, या दो उपवाक्यों को जोड़ता है, और उसका जो उसका पद होता है वो समान पद में होना चाहिए. कहने का मतलब है कि यहां इक्वल रैंक का मतलब है कि वो जो है समान पद में क्या होना चाहिए, होना चाहिए. तो जो समान पद में हो और साथ में वो क्या हो, वो दो वाक्यों को क्या करे, जोड़े, दो वाक्यों को क्या करे, जोड़े, या दो वर्ड को क्या करे, जोड़े, और जोड़ेगा और साथ ही वो क्या होना चाहिए, उसका इक्वल रैंक होना चाहिए. तो वो हमारा क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाता है. कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वर्ड इस प्रकार हैं, कर है यहाँ पे, एंड है, बट है, फॉर है, और है, नार है, आल्सो है, आइदर आर है, नाइदर नार है. ऐसे आपको बहुत वर्ड मिलेंगे जो क्या बताएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और इनका काम क्या है कि ये दो वाक्यों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दो वाक्यों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, या दो वर्ड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे. एग्जाम्पल देखिए, आइदर रमेश और आइदर रमेश और राजेश इज गिल्टी. यहां पर देखिए, यहां लिखा है कि पहला एग्जाम्पल आइदर रमेश और राजेश इज गिल्टी. कहने का मतलब है या तो रमेश या राजेश क्या है, दोषी है. तो यहां पर ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो बता रहा है दो जो है यहां पर क्या बता रहा है, आइदर या तो रमेश या तो राजेश, ये दोनों में से क्या है, कोई एक क्या है, दोषी है. तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट
यहां पर देखिए, यहां जो आपने लिखा है कि इक्वल रैंक, उनकी इक्वल रैंक जैसे रजेश है या रमेश है, दोनों की क्या है इक्वल रैंक बता रहा है कि या तो रमेश दोषी होगा या तो रजेश दोषी होगा, कोई एक दोषी होगा जो इक्वल रैंक को भी बता रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। प्लीज बाय पेन आर अ पेंसिल, प्लीज बाई अ पेन आर अ पेंसिल। यहां पर देखिए जो आर आया है वो क्या बता रहा है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये दो क्या कर रहा है, दो वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और ये जो है बता रहा है कि प्लीज बाई अ पेन, प्लीज माने कृपया, बाई माने खरीद दीजिए, अ पेन माने एक कलम, आर माने अथवा, अ पेंसिल यानी कि आर अ पेंसिल एक जो है पेंसिल, या तो एक पेंसिल खरीद दीजिए या तो एक कलम खरीद दीजिए। तो यहां पर देखिए इक्वल रैंक है या तो पेन या तो पेंसिल, तो उसका बोध करा रहा है। यहां जो आर आया है वो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेहा, नेहा इज रीडिंग एंड सोनी इज नेहा इज रीडिंग एंड सोनी इज राइटिंग। नेहा क्या कर रही है, पढ़ रही है, और सोनी क्या कर रही है, लिख रही है। तो यहां पर एंड आया है वो क्या बता रहा है, एंड दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, कर रही है पढ़ रही है, और जो है सोनी क्या कर रही है, लिख रही है। तो दोनों का क्या है, इक्वल रैंक भी बता रहा है। और यहां पर देखिए ए पेन और ए पेंसिल दोनों का ये भी इक्वल रैंक है। यहाँ रमेश है और यहाँ रजेश है, इसका भी इनका भी क्या है, इक्वल रैंक है। और वो क्या कर रहे हैं, लिखा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन टूगेदर क्लासेस ऑफ इक्वल रैंक। तो इक्वल रैंक को क्या करता है, चाहे क्लास हो उसको जोड़ेगा, चाहे इक्वल कोई आपका सेंटेंस होगा उसको जोड़ेगा, या कोई आपका वर्ड होगा इक्वल उसको जोड़ेगा। दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसको हम हिंदी में आश्रित संयोजन कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग। ये क्या करता है, ये किसी पर क्या होगा, डिपेंड होगा, आश्रित होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे, आश्रित संयोजक इसको हिंदी में कहते हैं। इसका डिफिनीशन है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंड और क्लास क्लास टू एनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, किसी ना किसी क्लास को क्या करता है, या किसी ना किसी सेंटेंस को जोड़ेगा, लेकिन उसको क्या होगा, साथ ही साथ अपने मीनिंग देने के लिए वो दूसरे पर क्या होगा, निर्भर होगा, दूसरे पर क्या होगा, डिपेंड होगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, आश्रित संयोजक भी इसको हिंदी में कहा जाता है। तो हमको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, यह जो है दो दो क्लास को या दो सेंटेंस को या जो है दो वर्ड को क्या करेगा, जोड़ेगा, साथ ही वो डिपेंड रहेगा कि वो फुल मीनिंग करने के लिए, फुल अर्थ देने के लिए, अपना अर्थ प्रकट करने के लिए वो क्या करेगा, किसी दूसरे और सेंटेंस पर क्या होगा, या और क्लास पर, या और जो है वर्ड पर क्या होगा, डिपेंड होगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसी को कहते हैं। ये कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ वर्ड हैं जिससे हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या होता है, बोध होता है। आफ्टर है, बिकॉज है, टिल है, इफ है, दैट है, दो है, ऑल्दो है, बिफोर है, अनलेस है, एज है, व्हेन है, वेयर है, टिल है, आपका व्हाइल है, सिंस है, सो है, एज दो है, ऐसे आपको बहुत वर्ड मिल जाएंगे जो क्या करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को बोध कराएंगे। तो आइए इसका एग्जाम्पल अब देखते हैं। मोहन, मोहन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज गॉट अ प्राइज।
मोहन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज गॉट अ प्राइज। मोहन बहुत खुश है क्योंकि उसने क्या किया है, एक पुरस्कार पाया। तो यहां पर देखिए बिकॉज जो आया है, मोहन खुश क्यों है, इसको पूरा करने के लिए हमें और आगे एक सेंटेंस के माध्यम से क्या करना पड़ रहा है, उस पर डिपेंड होना पड़ रहा है कि मोहन खुश क्यों है, इसलिए क्योंकि वह क्या किया है, एक पुरस्कार प्राप्त किया, इसलिए वह क्या है, खुश है। तो यहां पर जो बिकॉज है वो क्या हमारा हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा और जोड़ेगा दो सेंटेंस को साथ में भी, और वो अपना अर्थ बताने के लिए वो डिपेंड रहेगा और सेंटेंस पर और क्लास पर और वर्ड पर क्या होगा, वो डिपेंड रहेगा। राम सेड दैट ही कुड नॉट कम। राम सेड दैट ही कुड नॉट कम चाहिए, राम ने कहा कि उसे नहीं आना चाहिए। यहां पर जो दैट है, राम ने कहा, क्या कहा, फुल मीनिंग करने के लिए हमें सेंटेंस में, सेंटेंस को आगे क्या करना पड़ेगा, डिपेंड उस पर होना पड़ेगा कि राम ने क्या कहा, क्या कहा, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और जब कुछ पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, और आगे बढ़ेंगे तब भी वो क्या होगा, उसका उसका हमको मीनिंग मिलेगा। जब मीनिंग मिलेगा, जब हमको रुकना पड़ता है, उस पर डिपेंड होना पड़ता है, तो इस तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है आई विल गिव यू फ्रीडम इफ गिव मी ब्लड। कह रहा है कि आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड। यहां कह रहा है कि आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं आपको आजादी दूंगा, स्वतंत्रता दूंगा, स्वतंत्र करूंगा, मैं आपको आजादी दूंगा यदि, इफ माने यदि, यू विल, यदि यू गिव मी ब्लड, यदि आप मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, आजादी दूंगा। तो यहां पर देखिए जो इफ आया है, इससे ये भाव निकल करके आ रहा है कि मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें कब आजादी दूंगा, जब आप मुझे क्या करोगे, खून दोगे। तो इस वजह से यहां पर हमारा क्या होगा, एक सेंटेंस वो दूसरे सेंटेंस पर क्या है, निर्भर है, उस पे मीनिंग लाने के लिए, उसका फुल अर्थ जानने के लिए हमें सेंटेंस में जो है उसका निर्भर रहना पड़ रहा है दूसरे सेंटेंस पर। इस वजह से यहां पर आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड, ये सेंटेंस जो यहां पर इफ आया है, इस सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कंजंक्शन के बारे में बेसिक जाना, जिसमें हमने कंजंक्शन क्या है इसके बारे में और कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में डिटेल से जाना। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।